जिस विषधर सांप का नाम सुनते ही लोग डर के मारे सहम जाते हैं, उन विषधर सांपों को पकड़ना 35 साल के युवक संतोष के बाएं हाथ का खेल है। मढ़ोरा प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत दामोदरपुर गांव का रहने वाला संतोष प्रसाद का सांपों से ऐसा नाता जुड़ा हुआ है कि लोग उसे महाकाल के नाम से बुलाते हैं। उसे बचपन से ही सांपों से खेलना, उनके साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसके बाद से आज तक जब आसपास के गांव में कहीं भी सांप निकलता है तो लोग महाकाल को फोन पर बुलवाते हैं। सूचना मिलते ही महाकाल वहां पहुंचकर सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। आप भी देखिए कैसे महाकाल इन सांपों से खेलता है और उन्हें बड़ी आसानी से पकड़कर अपनी जेब में डाल लेता है। इस सब को देख अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांपों को पकड़ना, उन्हें नहलाना, उनको बच्चों की तरह दूध पिलाना और फिर अपने घर में रहने की जगह देना, ये सब काम महाकाल के लिए आम है। एक दिन सांप उनके घर में रहता है और फिर अपने आप कहीं और चला जाता है। आपका नाम महाकाल कब से पड़ा? महाकाल उसी सांप जो देहरादून में पकड़ा था उसी जगह एक महात्मा ने बोल दिया तुम महाकाल है और तुम रहेगा। हमको पहले से ही नजर में तुम आ रहा था महाकाल के रूप में, तो वहां से मैंने चला आया अपने गांव को। आने तो नहीं दे रहा था, आया मैं गांव को, शादी विवाह किया, फिर से गया उधर देहरादून को गया, फिर वहां से आया तो अपना कमाने धमाने में लग गया। कमाने धमाने में लग गया, बच्चे लोग को भी बच्चे को लेकर के अपने बाहर पुना रहता था, वहां से सब कोई मालूम हो गया सांप कैसा भी। सांप को मैं खिलौने जैसे पकड़ के लाने का, अगर उसको चोट घाव लग गया है उसको ट्रीटमेंट दवा पानी करने का और वो ठीक हो गया अपने आप चला जाता है। उनको मैं भेजता भी नहीं हूँ और मैं बांध के रखता भी नहीं हूँ, उनको छोड़ देता हूँ। मर्जी करता है तो जाते हैं, नहीं मर्जी करता है तो रहते हैं अपने घर पे। तो ये कब से सांप पकड़ने का सिलसिला कब से है? सिलसिला हमको क्या आपको सांप से डर नहीं लगता? नहीं। कहाँ कहीं कुछ सीखे हैं क्या सांप पकड़ने का? नहीं सीखे। तो फिर ये कला कहाँ से आई? हमको भी मालूम नहीं है कहाँ से कला आया। फिर सांप देखते हो आप इतने विषैले विषैले सांप पकड़ते, आपको डर नहीं लगता? सांप अगर नहीं मिला ना तो हमको शरीर में ऐसा हो जाता है जब नहीं, तो आप इतने विषैले सांप पकड़ते हो आपको डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? हमको उससे बहुत खुशी हो जाता है, अगर मिल गया ना तो बहुत मेरे को खुशी होता है। मैं अपने मगन से बाहर हो जाता हूँ एकदम, जब मिल जाता है विषैला विषैला बहुत बड़ा सांप तो हमको ऐसा शरीर में आ जाता है जो मैं अब क्या करूं, मैं अपने आप को संभालने को भी तकलीफ होने लगता है जी क्या मैं करूं, इतना खुशी शरीर के अंदर। क्या क्या करते हैं सांप जब मिल जाता है आपको? तो मिल जाता है तो उनको कहाँ बैठाने का, कहाँ उठाने का, उनको क्या तकलीफ है उनको देखने का, उनको लाने के बाद नहलाने का, धुलाने का, धूप अगरबत्ती दिखाने का और छोड़ देने का।
वहीं ग्रामीणों ने कहा कि संतोष प्रसाद काफी सालों से इस काम को कर रहे हैं। गांव में सांप निकलने की सूचना पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। सभी देखने के लिए आते हैं कि कैसे महाकाल सांप को पकड़ते हैं। सांप पकड़ते हैं जैसा फिर भी तो चाय के दुकान पे कौन कौन रहता है? अकेले हम रहेंगे। तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि इस दुकान में लाके सांप छोड़ जाते हैं? तो क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? क्यों हम लोग को डर नहीं लगता? वही लोग के साथ में रहने कहते, घर में भी रहते हैं। घर में भी रहते हैं तो आप लोग को डर नहीं लगता? पूरे परिवार हम लोग हर 8 दिन पर 10 दिन पर निकलते हैं। हर 8-10 दिन पे लेके आते हैं? ये लाते नहीं है, घर में ही निकल जाते हैं। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते। आप लोग नहीं कुछ बोलते? वो पहले भी ये आप देखे थे कि महाकाल जी ने सांप ऐसे बड़े से विषैले सांप को पकड़ा था? हमारे गांव में भी गोपाल शर्मा जी के यहाँ इस प्रकार का सांप निकला था और हम लोगों के सामने महाकाल जी, जबकि विशाल सांप था, और ऐसे ऐसे बच्चों को खिलाते हैं आसानी से पकड़ के और उसको झोड़ा में कस के और अपने पास लाए। जो जीवन में इस उम्र में पहली बार हम लोग ऐसी घटना देखे कि एक इंसान सांप के साथ खेलता है और आसानी से पकड़ लेता है। या अभी भी हम लोगों के गांव में चर्चा के विषय के ऐसा कैसे हो रहा है और लोग जहां भी ये जाते हैं एक हुजूम सी उम्र फिरती है इनको देखने के लिए सिर्फ कि आखिर कैसे सांप को पकड़ते हैं। आपको ये सुनकर बड़ी ही हैरानी होगी कि संतोष की बेटी रक्षाबंधन पर सांपों को राखी बांधती है। सांपों के साथ रहने से उन्हें कभी डर भी नहीं लगता। आपने कब सांप को राखी बांधा था? रक्षाबंधन का दिन मेरे पापा ने सांप पकड़ के लाया था, उस दिन मैंने राखी बांधी थी। कब और कहाँ पे? महाराष्ट्र था, नारायणगांव। नारायणगांव में। और आप लोग सांपों के साथ रहते हो तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं। उन लोगों के साथ ही रहते हो, डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं। सांपों से संतोष का बचपन से ही लगाव था। एक घटना के बारे में संतोष ने बताया कि एक पुराने बंगले में विशाल सांप होने की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे, लेकिन सांप को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद जब महाकाल वहां पहुंचा तो सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। ये देख बंगले के मालिक ने संतोष को उपहार में एक मोटरसाइकिल दी। संतोष के इस हुनर को देख क्या बच्चे और क्या बड़े सभी दंग रह जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।